गाइस, माय नेम इज प्रत्यूष। सो आज बक्स प्रत्यूष में एक वीडियो आ गया है फाइनली, मतलब थोड़ी दिनों बाद गया है। सो आज हम करने वाले मैथ्स की प्रॉब्लम्स। सो यस, ये बस पता है, ये पता है मेरी ऐसी मेरे को बुक दी थी, इसका मैंने यूज़ थोड़ा सा करा था अपनी डायरी लिखने में, बट आज हम कुछ इसका कुछ और यूज़ करेंगे। स्पेशली ये जो है फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब है। तो मैं एक सेकेंड माइंड। सो हाँ, या ये तो मेरी स्कूल बुक है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं अपन, इधर लगा देते हैं अपन। तो अभी हम करते हैं, तो अगर ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं आपको, तो मतलब ये आपको बेसिक पता होगा, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चों को बेसिक पता होगा कि एक पूरा एक, हाँ इनको सर्कल ड्रॉ करना नहीं आता अच्छे से, बट ये एक पूरा है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, और यहाँ क्या होता है ओह शिट, गलती से सॉरी, अपन वापस से एक सर्कल ड्रॉ करते, पेज खराब कर रहा हूँ। यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, एंड यहाँ क्या होता है 9। सो हाँ, मुझे पता है बहुत बहुत बेकार है। तो ये अपना होता है सेंटर पॉइंट। अपने अगर ज्योमेट्री करो होगा तो उसमें सेंटर बोलते हैं, ज्योमेट्री मतलब इजी है, मतलब ज्योमेट्री टाइम के मतलब थोड़ा सा ऐसा है। तो वी हमारे पास कितने हैंड्स होते हैं, कितने होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं, बट एक सेकेंड का होता है, उसको शायद हम काउंट नहीं करते, क्योंकि देखो मेरे पास भी वॉचेस सेम ऐसी। तो एक सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सेकेंड्स का, उससे छोटा जो होता है वो होता है मिनट्स का, और इससे छोटा जो होता है वो होता है आवर्स का, या आप कंफ्यूज मत हो ना। तो ये पूरी जो क्लॉक है ना वो 5 के टेबल से चलती है। तो हाँ, अब ये पूरी है, अगर मैं लिखता हूँ, ये बेसिक है, अगर मैं ये और ये करता हूँ तो ये क्या है, ये है आवर्स का, और ये क्या है, ये है मिनट्स का। हाँ आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं टाइम अभी यही हो रहा है, थोड़ा सा टाइम अभी यही हो रहा है शायद से, नहीं अभी हाँ 12 ही हो रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें। तो अभी ऐसा है कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऐसा है हमारा कि 5 का टेबल जो है ना 6 तक बोलना पड़ेगा, 5 का टेबल हमको 6 तक बोलना पड़ेगा, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो 30, तो ये आया 30 तो है। हाँ तो अभी ये घड़ी पे 12:30 हो रहा है, अभी 12:30 हो रहा है। या देखो जो आर वाला जो हैंड होता है ना, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, जो आर वाला हैंड होता है उसमें पता अपन को टेबल नहीं बोल रहे, अगर ये 12 पे तो 5 12 सा नहीं बोलना, और 5 12 सा बोलना ही नहीं, 0 0 होगा। अगर ये इधर से पूरा घूम के इधर आता है, पूरा बड़ा काटा, हाँ बड़ा काटा, हाँ तो अपन को पता 0 0 बोलना है। यहाँ अभी तक अभी आपको पता ना वैसा है नहीं, बट 6 मतलब जहाँ बड़ा काटा है ना उधर तक ही तुमको 5 का टेबल बोलना है, वहाँ तक, ठीक है। एंड
छोटा काटा जो है उसका कुछ भी नहीं करना है, छोटा काटा और ना छोड़ो, ठीक है। या तो अभी सेकंड्स की बारी आती है, तो अपन ऐसे टिक 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 क्या क्या करूँगा। हाँ तो मैं काम करता हूँ, एक और पेन लेते, मेरे थोड़ा तो ख़राब ही होगा। हाँ अभी हम सेकंड्स के बारे में बात करने वाले, थोड़ा सा अच्छा बना है नहीं। तो आपको तो ये इतना तक पता होगा कि अगर छोटा काटा 12 और 1 के बीच में, तो जो सबसे जो छोटा है ना उसके, मतलब जो आर वाला हैंड है वो, अगर मतलब इन केस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक्स एग्जांपल, ये मतलब एक्सरसाइज होगा बट ईएक्स, तो आपको पता है ये एग्जांपल जो छोटा है, छोटा क्या है, 1 है अपने पास, 1 सबसे छोटा, स्मॉलर, तो अपन पता है ऐसा बोलेंगे। और अगर अगर बड़ा काटा 7 और 6 के बीच में, नहीं ऐसा हर बार नहीं होगा कि 7 और 6 के बीच में होगा, हो सकता है कि वो 8 और 9 के बीच हो, 7 और 8 के बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये जो है वो मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ये 7 और 6 के बीच में आएगा हर बार बड़ा काटा, हो सकता है वो 3 और 4 के बीच में आ जाए। ओके तो ये जो मिनट वाला हैंड होता है, तो ये 6 और ये 7, तो इसमें अपन को आर वाला हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, अपन को इसमें मिनट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अपन अभी आपको तो ये पता चल ही गया है कि हमने पहले पेज पे ये कर दिया था कि जो मिनट वाला हैंड होता है उससे ही 5 का टेबल तक बोलना होता है, मिनट के हैंड से ही 5 का टेबल बोलना होता है, आर के हैंड को बस छोड़ दो, है ना। तो आर का हैंड हमने बस ऐसे ही छोड़ दिया, इसको हमने 1 कर दिया, बट मिनट के हैंड में अपन को 5 पर टेबल बोलना पड़ेगा 7 और 6 के बीच पे, 7 और 6 मतलब 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 30 और 5 6 35, है ना। तो ये दोनों में कितना गैप में, 30 और 35 मतलब 30 31 32 33 34 और फिर 35, मतलब ये जो है वो 6 पे शुरू हो और ये जो है वो 7 पे ख़त्म हो, समझ में आया, ये 35 है, 6 मत मान लेना, समझ में आ गया। मैं पूछूँ मतलब करूँ कैसे मैं, तो जो ये जो अगर कल ऐसा हो कि इन केस 9 और 8 के बीच में मिनट का हैंड आए, तो अपन को 9 5 9 और 5 8 के बीच में बोलना पड़ेगा, मतलब 9 से कितना होता है 45 होता है, तो 8 और 9 के बीच में 8 से 40 9 से 45, तो 8 8 41 42 43 44 45, तो आपको ये आपसे कोई टाइम पूछे, जैसे आप समझ लो कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैं पूछूँ भाई टाइम कितना है,
तो आपको बोलना है कि मतलब अगर इन मतलब इनके साया, ऐसा नहीं है कि हर बार इधर ही आएगा, ये बात ठान लेना है कि इन केस आए। मतलब देखो अभी 7 और 8 के बीच पे है, 7 और 8 के बीच पे, ये 7 और 8 के बीच, तो टाइम पता है ऐसे ही होगा, ठीक है। ओके 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 सो यप, अगर आपसे कोई आपका दोस्त पूछे, मतलब मैं पूछूं कि भाई टाइम बता, तो आपको क्या बोलना है, अगर बी इसके बीच में हो, 7 और 6 और 7 के बीच में हो, तो आप 30 और 35 को छोड़ के आप 31, 32, 33, 34 बोल सकते हो। बट वो पता है क्या है कि ये 7 और ये 6, ये जो है अगर इधर इसका काटा जो इधर तक हुआ तो 34 बोल सकते हैं, बट इधर उसका काटा अगर इधर हुआ तो इसको 31 बोल सकते हैं, अगर इसका काटा 6 पे ही हुआ तो 30 बोल सकते हैं, बट अगर इसका काटा एकदम बीचों बीच हो तो 30 और 35 के बीच में कौन सा है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से बीच वाला कौन सा है, अगर 30, 33 और 32 बोल सकते हो, बट ज़्यादातर आप 32 ही बोलो या ज़्यादातर आप 33, मतलब कोई भी बोल सकते हो 33, 32 के बारे में, अगर बीच में आए तो आपको 33 और 32 के बीच बोलो, अगर 7 के थोड़े से पीछे आए तो आप 34 बोल सकते, अगर आप 6 के थोड़े से पीछे आए नहीं आगे है तो आप 31 बोल सकते हो, बट अगर 6 पर या 7 पर है तो आपको 35 या 30 बोलना पड़ेगा। इतना तक समझ में आए? ओके ओके, अभी मैं अगर कमेंट्स में बता सकते हो, तुम फालतू में ऐसा करूँगी, तो ऐसा है मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं तो पूछ लेता हूँ, ठीक है। आर वाला जो हैंड होता है, ये जो है ना, ये पूरा वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट आएगा ना वो बोले, आर वाला जो हैंड होता है उसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है नहीं करना होता है, जो नंबर अगर समझ लो नंबर है 4, क्योंकि मेरे रोल नंबर पे 4 भी आता है, 2 भी आता है, 24 है मेरा रोल नंबर, हाँ, तो अगर 4 पे अगर छोटा काट है, आर का काट है ना, तो हमको उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा या नहीं करना, कॉमन एक सेकंड, पेन तो नहीं मिला बट दूसरा पेन मिल गया, वाह इसमें इंक ही नहीं है, वाह ऐसे ऐसे रखते थे, ये वाला पेन लेते, हमारे पास बहुत सारे पेन है, हाँ तो ये आंसर आप बताना, ओके कमेंट में आंसर बताना कि इस हमको डिवाइड बाय 5 करना होगा 4 से या नहीं करना होगा, आज के हैंड अगर हुए, और अगर मिनट का हैंड है तो आपको क्या, मिनट का हैंड अगर 4 पे हो तो आपको क्या उससे डिवाइड करना होगा या नहीं करना 5 से, ओके तो मैं आंसर नहीं बताने वाला, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला, शायद नेक्स्ट पार्ट आ पाएगा, ओके ओके। अभी मैं मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मैं 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 4 में से 2 हो गए 22, हाँ 4 में से 2 हो गए, अभी 2 और बाकी है,
ओके अगर अगर वन आर का काटा आर वन आर हैंड्स अगर सिक्स और सेवन के बीच में तो हम उसको फाइव से डिवाइड फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, अपन वो मिड पॉइंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बताओ कमेंट में प्लीज बता देना। ये भी एक भी हो गया, दूसरा तीसरा जो भी लास्ट मिनट का हैंड जो है अगर वो भी सेवन और सिक्स के बीच में है, अगर मिनट का हैंड अगर ट्वेल्व और वन के बीच में है तो हम फाइव से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अभी इसका आंसर मेरे को बताना ही पड़ेगा। तो 12 और 1 के बीच में अगर मिनट का हैंड है तो आपको इतना फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको आप पता है ऐसा मत बोलना 60 और 5 के बीच में, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग होता ही है। करेक्ट वे जो होता है ना वो ये होता है कि ये 12 को पता हम अगर 5 से मल्टीप्लाई, हम पता है 12 को 60 नहीं बोलेंगे, हर बार 0 0 बोलेंगे हम। समझ में आया? ठीक है। और इसको तो हम 5 ही बोलेंगे क्योंकि 5 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर 1 × 5 5 5 इजी है इजी। तो अपन को पता है वापिस से करना पड़े, मैंने कीचड़ कीचड़ कर लिया। हाँ तो वन और या तो अपन को जीरो और फाइव के बीच में बोलो, मतलब 0 1 2 3 4 5 या इस हमको पता है कि हमारे पास ऐसी छोटी छोटी लाइन भी होती है अगर आप वॉचेस में देखोगे। बट मैं पता है अगर मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ, अगर ये लाइन्स आए ना इसमें तो लाइन्स वाला बहुत इजी है। बस जिस वो काटा जिस पे है ना वो मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस उस पर मतलब अगर कॉन्सेप्ट सेम है, मैंने मतलब मिनट का हैंड जो है अगर वो वापस से 12 और 1 के बीच में हो और उधर लाइन्स हो ऐसी, तो अपन को बताए कॉन्सेप्ट वही है 0 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। ओके यू अंडरस्टैंड? तो मैंने कहा हाँ, तो जो लाइन्स है ना तो वन भाई मैं कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊं मैं? ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले लाइंस के साथ में सिखाया था, अभी हम लाइंस वाला ही करते हैं। 1 3 12 3 6 और ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 3
कर दिया, आपको घड़ी एकदम बेकार लगती होगी। ओके अभी ये मिनट का हैंड 7 और 6 के बीच पे है ना, ओखा 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 है ना। तो भाई मेरी ड्रॉइंग इतनी बेकार है, 7 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 यप। तो मिनट का हैंड जो है वो ऐसी है, अभी कॉन्सेप्ट सेम है, मैं जैसे बताया था पहले 5 1 5 5 2 10 5 3 5 4 10 20 5 5 25 6 30 30 31 32 33 34 35 यप। तो ये 30 31 32 33 34 35 ये ना 1 2 3 4 5 हर घड़ी में अगर आप देखोगे, अगर आपके इसमें लाइंस होगी ना, तो हर बार उसमें 5 लाइंस होगी, ईच 5 लाइंस ही होगी सब में। ऐसा नहीं है 5 लाइंस थी 6 लाइन 10 लाइन, ऐसा नहीं होता हमारे तो हमारे पता है ऐसा नहीं होता हमारा, हमको होता है 5 पूरे, ये जो पूरा टाइम है ना वो पूरा 5 के टेबल पे ही बेस्ट है, पूरा बेस्ट 5 के टेबल पे। अगर तुम मतलब 5 को सलाम मारोगे तो फेमस हो गया है, फेमस एक मतलब फेमस छोड़ा आप वो छोड़ा। ओके तो अब अभी ये देखो, मैं ये थोड़ा सा ध्यान से देख रहा हूँ, आखिर फोन पे फोन ठाड़ के देख लेना। हाँ तो इसी ये लाइन से इसमें, हाँ तो ये जो मिनट का हैंड है वो पता है एग्जैक्ट किस पे पॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है 32 पे, नहीं 31 पे, क्योंकि ये 30 31 32, हाँ 32 पे कर रहा है, 32 पे कर रहा है, वही ना 32 तो कर रहा हूँ मैं, 1 31 32 33 34 और मैंने एक लाइन ने ड्रॉ करी 35 तो 31 30 31 32 32 पे तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो 32 पे या ज़्यादातर जो होती है ना वो लाइन्स वाली होती है, बट मैंने तुमको दोनों कॉन्सेप्ट सिखा दिए, जिसमें नॉन लाइन कुछ बनता नहीं, बट मैंने बना दिया आज नॉन लाइन और लाइन, यप समझ में आया। तो अभी 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 तो हमारा इंट्रो है ये, नहीं ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 hours 45 minutes है ना, ओके तो आपको फर्स्ट क्या करना है, 2 hours मतलब ओके फर्स्ट हम ये समझेंगे 1 hour = 60 minutes ओके तो हमको अभी डिवाइड मतलब हमको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो जब हम नीचे जाते हैं तो हम करते हैं तो ठीक है आई एम सो सॉरी यार ऐसी गलती होती रहती है। ओके जब हमको यूनिट को स्मॉल करना होता है, स्मॉलर यूनिट मतलब यूनिट स्मॉलर करना होता है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, एम फॉर मिनट भी होता है बट मल्टीप्लाई अभी के लिए मल्टीप्लाई, बट हमको जब यूनिट को
लार्ज पे करना होता है तो हम पता है डिवाइड करते हैं। डी स्टैंड फॉर डिवाइड, डी स्टैंड फॉर डोंकी भी होता है बट ये नहीं, ठीक। डी स्टैंड फॉर डिवाइड और की नहीं नहीं हाँ तो डिवाइड। तो अभी हमको इज इक्वल टू डालना पड़ेगा, फिर हम पहले लिखेंगे 2 hours मल्टीप्लाई बाय 60 minutes, ठीक है। तो 2 multiply by 60, 2 0 0, 2 6 12, है ना। तो therefore अभी आर था, अभी पता है हमने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 60 करा तो हो गए मिनट्स, मिनट्स हो गया है ना। तो अभी 45 मिनट्स अभी भी बचा है और लिखा है हाउ मैनी मिनट्स, 5 मिनट्स है ना। तो अपन को इज इक्वल टू 120 minutes प्लस 45 minutes है ना। तो अभी 120 plus 45, तो ये 4 5 6 6 और ये 160 minutes, तो इसका आया 165 minutes है ना। अगर मैं भी देख लेता हूँ। ओके तो एक्सरसाइज मेरे को भी शौक ही है, एक बार मैं ट्राई करते हैं। ओके क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का है ओके सो अपन एक काम करते हैं, लास्ट करते हैं। तो अपन को जल्दी से 1 hour 60 यप अभी है, मेरे को भी नहीं समझ में आया ये 4 60 minutes प्लस 40 शायद मेरे को ये करना पड़ता है क्योंकि 6 7 8 9 10 ओके। तो अपने पास एक आंसर तो आ गया, ठीक है हमारे पास 1 answer done था 100 minutes। अभी सेकेंड भी ढूंढना है ना अपन को। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा,
60 तो आंसर आ गया, मतलब हमारा 60 आ गया, 60, बट उसमें 6000 है, मतलब 3 zeros मोर। क्या करूँ यार मैं, आई हैव वन डाउट सर। अपन एक काम करते हैं, 0 0 और ऐड कर देते हैं, 6 है ना, तो इसके 2 0 3 0 मोर ऐड कर देते हैं ना, तो 60 seconds हो गए, बट ठीक है। मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब, मेक श्योर अगर आपका एग्ज़ाम है, मैंने अच्छे से हेल्प करी हो, मैंने अच्छे से हेल्प करी हो इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। यप, बट भाई आपने अपन ने सब कुछ कर लिया है पहले से, तो अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अपन पता है, हम पते जाते हैं, काम करते हैं, अपन अभी वीडियो बंद करते हैं। मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब शेयर, अगर आपको 10 चैप्टर अच्छे से आ गया, मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ शायद से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि इसके बाद मेरा एग्ज़ाम शुरू हो, कल से मेरा एग्ज़ाम शुरू है, उसके बाद एक छुट्टी, उसके बाद एग्ज़ाम, फिर ऐसे ऐसे है। तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।